गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आकाश चौहान फ्रॉम गोयल पब्लिक स्कूल नगीना एंड आई विल टीच कंप्यूटर टू क्लास सिक्स स्टूडेंट्स। आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर थोरोली सो दैट ईच एंड एवरी कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द कंप्लीट चैप्टर आई विल गिव यू होमवर्क एंड यू हैव टू डू इन योर स्कूल नोटबुक। व्हेन द स्कूल रीओपन्स आई विल चेक ईच एंड एवरी स्टूडेंट नोटबुक दैट ही और शी हैज़ बीन कंप्लीटेड द वर्क और नॉट। Let us see the chapter 1 in your computer book. The name of the chapter is Computer Languages, which is on page number 7 in your book. In our country, every state has different language. Hamari country mein sabhi states ki different languages hai. To speak to person from different state, agar hume ek person ko dusre state se ke person se स्पीक करनी हो, कम्युनिकेट करना हो, यू नीड टू नो ही इज़ हर लैंग्वेज। उसके लिए आवश्यकता होगी कि हमें उनकी लैंग्वेज पता हो और एनी कॉमन लैंग्वेज और कोई ऐसी आम भाषा जो उन्हें भी पता हो और हमें भी पता हो, डेट बोथ कैन अंडरस्टैंड, जो दोनों आपस में समझ सकें। हाउ एवर ए कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी ह्यूमन लैंग्वेज, लेकिन जो कंप्यूटर है वो तो अंडरस्टैंड समझ ही नहीं सकता हमारी लैंग्वेज। देन हाउ डू वी कम्युनिकेट विद इट, तो फिर हम उससे कैसे कम्युनिकेट करते हैं। लेट अस लर्न हाउ, आइए जानते हैं कैसे। एक कंप्यूटर नीड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ए टास्क और फंक्शन। कंप्यूटर को आवश्यकता होती है कुछ स्पेशल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की ताकि वो परफॉर्म कर सके टास्क कोई भी या फंक्शन। दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स, और ये जो सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का इसे बोलते हैं हम प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू इनेबल ए कंप्यूटर टू डू ए पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। और जो प्रोसेस होता है जिसमें डेवलप होते हैं सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो कंप्यूटर की क्या करता है, सहायता करता है ताकि वो अपना एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट कर सके, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। Each programming language has its own set of rules, और प्रत्येक programming language के अपने ही set of rules होते हैं। Programming language can be broadly classified into 5 categories on the basis of their development, और programming languages की बात की जाए तो इन्हें 5 categories में divide किया गया है उनके development basis पे। तो आइए जानते हैं वो 5 programming languages कौन सी है जिन्हें divide किया गया है 5 categories में। आप अपनी बुक में पेज नंबर 7 पे एक वेल्ड डिफाइंड स्ट्रक्चर बना हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस का देख सकते हैं। तो पहला आता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, ऑल्सो कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, ऑल्सो कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, ऑल्सो कॉल्ड एडवांस्ड हाई लेवल लैंग्वेज एंड AL। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल एक्सप्लेन करेंगे आपको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है। सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप।